आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे टोपी बनाना। क्योंकि टोपी जो है, मैंने कल बैठा हुआ था ऐसे खाली, तो मैंने ये अपने लिए देखी ये टोपी बनाई थी। तो बनाने के बाद में फिर अब मैं घर पे आया तो ये हमारे हाफिज जी हैं, तो कह रहे हैं चाचा हमें भी एक टोपी बना के दो। तो मैंने लाओ आप लोगों के साथ ये सब कुछ मैं शेयर कर दूँ कि किस तरीके से बनाते हैं। तो इसको सीखने के लिए वीडियो को आप एंड तक देखें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई भी बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसमें आप जवाब मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये कपड़ा है, ये देखिए, ये कपड़ा मैंने लिया है 40 सेंटीमीटर। तो इसको ये देखिए, इस तरीके से ये सिंगल खोलेंगे, और प्रेस हमने गर्म कर रखी है, ये हमने 26-66 लिए है। अगर आप और हार्ड चाहते हैं तो आप पेस्टिंग भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से इसको बाद में काटेंगे, पहले हम इसको पेस्टिंग कर लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से, ये जितना चौड़ा है इससे कोई मतलब नहीं है आपकी टोपी के उससे। ये तो आप चाहे इसको पतला भी बॉर्डर लगा सकते हैं और चौड़ा भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है आप कितना पसंद करते हैं। देखिए इस तरीके से इसको हम चिपका लेते हैं। ये देखिए, ये पेस्टिंग हो गई, और पेस्टिंग होने के बाद में ये हमारा, इसको हम इस तरीके से देखिए ये फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद में ये भी हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा इतना बॉर्डर फोल्ड हो जाएगा। जो देखिए ये है, ये जो सिलाइयाँ लगा रखी हैं मैंने, ये इस तरीके से, तो ये फोल्ड हो जाएगा। और हमने इसकी जो लंबाई ले रखी है पेस्टिंग की, ये देखिए, ये 24 इंच है। ये थोड़ा हैवी सर्वी होता है तो उसमें भी आ जाएगी। अब ये देखिए कि इसकी जो लंबाई रखनी है, ये तो हमने फोल्ड कर देनी है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके। ये फोल्ड करके इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। देखिए, अगर आपके पास में कपड़ा ज़्यादा नहीं है, कम है, तो इसको आप अलग से भी लगा सकते हैं। अगर आप ये एक ही जोड़ में लगाएंगे तो यहाँ से थोड़ा सा मोटा नहीं होगा, नहीं तो अगर जोड़ लगाएंगे तो ये मोटा हो जाता है। ये देखिए इस तरीके से इसको, ये फोल्ड करने के बाद में अब ये देखिए, इसकी टोपी की गहराई जो होती है वो अपने पहनने के ऊपर होती है। देखिए, जैसे मैंने ये पेन रखी है, जो ये टोपी, ये दिखाओ, ये टोपी जो है इतनी, ये मैंने जो ली है इतनी ही अगर गहराई आपको पहननी है, तो इसके लिए आपको 5.5 इंच का ये निशान लगाना है, और 5.5 इंच ये। जो लोग अगर ज़्यादा गहरी पहनना पसंद करते हैं तो वो 6 इंच लगा लें, आधा इंच और गहरी कर लें, क्योंकि ज़्यादा गहरी टोपी भी अच्छी नहीं लगती है। ये 5 इंच में ये नॉर्मल इस तरीके से है, जो मीडियम साइज में इस तरीके से। देखिए अब ये देखिए, जो मैं इसका जो नाप जो होता है वो इस तरीके से होता है। देखिए इस तरीके से सर को नापेंगे, ये यहाँ पे हमें लेना होता है, तो इस तरीके से देखिए ये नापेंगे। तो आप अपना बना रहे हैं तो आप खुद भी नाप सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से, ये 22.25 के करीब आ रही है। तो हम इसको देखिए 22.25 के लिए इस तरीके से 1 इंच मार्जिन के साथ 23.25 इंच हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद में ये देखिए इसको इस तरीके से काट देंगे। ये देखिए, ये इस तरीके से काट देंगे। और काटने के बाद में देखिए, इसके बीच में जो हमें ये लगाना होता है, ये जो गोल वाला, इसको देखिए इस तरीके से, ये कपड़ा ले लेंगे हम। ये देखिए ऐसे, अब इसको इस तरीके से करके और ये काट लेंगे। ये देखिए इसको ऐसे, और इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ के,
ये इस तरीके से, ये बड़ा है क्योंकि ये मार्जिन में उधर चला जाएगा, तो ये इस तरीके से ये हमारी टोपी की पूरी कटिंग और पेस्टिंग दोनों हो गई है। अब इसको किस तरीके से बनाएंगे, चलिए चलते हैं मशीन पर। ये देखिए इसको इस तरीके से ये सिलाई लगाएंगे हम पहली। ये देखिए सर, ये देखिए ये सिलाई लगने के बाद में, अगर आपको ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं चाहिए, एक ही सिलाई चाहिए, तो भी आप इसी तरीके से ये एक सिलाई लगा लें, नहीं तो देखिए मैं इसमें एक एक पैर की सिलाइयाँ लगाऊंगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ये सिलाइयाँ लगाने का मतलब ये है कि ये थोड़ी सी पेस्टिंग भी इसमें सही तरीके से सेट हो जाएगी और थोड़ी ये मजबूत हो जाएगी, तो ये इस तरीके से। ये देखिए ये सिलाइयाँ इसी तरीके से, एक सिलाई और मैं लगा लूँगा। ये देखिए ये सिलाइयाँ मैंने पूरी कर ली है, एक सिलाई रह गई थी, मैंने कि आपको ज़्यादातर सिलाइयाँ दिखाई दी थी। अब ये देखिए इसको इस तरीके से बंद पहले नहीं करना है, इसको देखिए इस तरीके से ऐसे करके रखेंगे और ये देखिए इस तरीके से ये प्लेटें डालेंगे, आधा इंच गहरी, और ऊपर की गैपिंग जो है थोड़ी कम रखनी है, ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ऐसे करके, ये अगर थोड़ा सा मोटा कपड़ा होगा तो और ज़्यादा अच्छी इसकी स्टेप आएगी। ये कपड़ा जो हमने लिया है इससे ये है कि थोड़ी सी ये नीचे हमने पेस्टिंग लगा दी है, उससे इसका हार्ड रहेगा, मतलब ये थोड़ी सी टोपी सॉफ्ट रहेगी लगाने में, ये जैसे कई बार ऐसा होता है पसीना आ जाता है वो नहीं आएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके से ये प्लेटें डाल के, अब इसको हम इस तरीके से देखिए ऐसे ये सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे पक्का कर लें, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए पक्का करके, और ये देखिए जैसे ये इस साइड में जो है ये कन्नी है हमारी यहाँ पे, और इस साइड में जो है ये कन्नी नहीं है, तो हम इस पर इंटरलॉक ना करके इसको इस तरीके से एक पैर की हम सिलाई लगा दे रहे हैं, ताकि कन्नी वाली साइड जो है वो इसको रोक लेगी, धागा निकलेगा नहीं, और थोड़ी सी ये यहाँ से मजबूत भी रह जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से ये अभी हो गया। अब इसको लगाएंगे, तो इसको किस तरीके से लगाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना इसको बराबर ये कटेगा नहीं, ये देखिए इसको इस तरीके से हम ऐसे करके रख लेंगे, जैसे ये सीधी तरफ है, इसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए ऐसे ये उल्टी तरफ आ जाएगा, सीधी तरफ से रखें इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके, और इसको इस तरीके से रखेंगे। देखिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको, जैसे इसको टोपी को इस तरीके से ये रखा है, तो चाहे इस तरीके से ही रख ले, ये उल्टी तरफ,
फिर इसको आपको इस तरीके से अंदर करना पड़ेगा, ये देखिए ऐसे करके, और यहाँ से जितना देख ली ऐसे करके देख लें एक बार, अंदाज़ा ले लें कि ये कितना निकल लिया है। तो ये इस तरीके से देखिए, इसको ऐसे करके जहाँ पे हमने सिलाई लगाई थी प्लेटों की उसी सिलाई पे लगाएं, ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ये देखिए, ये अब ये जो हिस्सा है इसको इस तरीके से पकड़ के और ऐसे करके देखिए, ऐसे कर लेंगे इसकी गुलाई ये पूरी हो जाएगी, ये देखिए ऐसे करके, ये जो अंदर देखिए ये इसके अंदर प्लेट जा रही है, इसको इस तरीके से निकालना, क्योंकि प्लेट अगर अंदर चली जाएगी और उसका अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो वो ऊपर की साइड आ जाएगी, तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी, गंदी लगेगी। इस तरीके से देखिए, ये चीज़ जो इसकी है ना, ये गुलाई में ये बिल्कुल आराम से लगाना पड़ती है और घुमाना पड़ती है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे करके। अब ये सिलाई लग गई, अब इस पर हम पक्की करने के लिए एक सिलाई और लगा देंगे, ये देखिए ये देखिए, ये इस तरीके से ये मार्जिन जो इसका है ये काट देंगे, और यहाँ पे हम इंटरलॉक कर लेंगे, ये देखिए ऐसे करके। तो ये जितने धागे निकल रहे हैं फिर इंटरलॉक कर लेंगे, तो ये हमारे इसमें वो हो जाएंगे। अब ये देखिए जो लगाई थी हमने, तो ये इस तरीके से ये पूरी गुलाई इसकी आ गई। अब ये देखिए इसकी गुलाई इस तरीके से, अब हम इंटरलॉक कर लेंगे, इंटरलॉक करके वो हम बाद में कर लेंगे। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये पहनने के बाद में, देखिए इस तरीके से ये बनने के बाद में इसकी ये पूरी ये लुक आएगी। ये देखिए ये ऊपर से भी हल्की सी हम हल्के यहाँ पे प्रेस लगा देंगे, तो ये इस तरीके से, अगर ये मोटा कपड़ा होता तो इसकी ये गुलाई जो है ये और अच्छी होती। तो ये देखिए ये इस तरीके से ये पूरी फिनिशिंग के साथ में और बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल कहीं से ना टाइट है ना लूज है, एकदम बिल्कुल इस तरीके से बड़े आसानी से आप टोपी अपनी बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।